हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी लेवल 3 की आंसर की। चलिए देखते हैं क्या है सीन। ये है लेवल 3 की आंसर की। ये आप देखेंगे मेरा नाम, और ये लेवल 3 की आंसर की। 17 तारीख को मेरा दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम था। सबसे पहले मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि मैंने इसमें मात्र और मात्र 76 अटेंड किए थे, 69 मैथ और रीजनिंग के, और उसके बाद 7 सवाल मात्र जीएस के। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी लेवल 2 की जॉब में हूँ, 3 साल से ऊपर हो गया है, तो ऑलरेडी मैं लेवल 3 के ग्रेड पेपर हूँ, तो मुझे लेवल 2 और 3 दोनों एग्ज़ाम स्किप करने थे। एक्चुअल मैं सेंटर पहुँच चुका था और मुझे वहाँ रुकना ही था, मेरा दोस्त भी था, उसका भी एग्ज़ाम था, इसलिए पेपर देने गया था। और सिर्फ मैथ रीजनिंग अच्छा करने, मतलब एक होता ना कि अब सेंटर पे हो तो पेपर जाके दे ही लो, तो ये वो चलो मैथ रीजनिंग में करके चले आएंगे, तो ऐसे स्कोर किया कि इसमें पास ना हो, क्योंकि जनरल कट ऑफ है, इसमें कोई साइको या टाइपिंग तो है नहीं, तो 80 के आसपास ही जाने वाली है, तो ऐसे अटेंड किया कि भाई फेल हो जाएं आराम से, क्योंकि पास होने कोई फ़ायदा नहीं है। पोस्ट प्रिफ्रेंस में भी अपना लोचा था कि पहले लेवल 3 की देन 2 की पोस्ट भर रखी थी, देन 6 की भर रखी हैं, 5 की भर रखी हैं, इसलिए वहाँ पे पास होने पे भी नुकसान हो रहा था, इसलिए इसको स्किप करने के मोड पे गए थे। तो मेरी आंसर की के बेसिस पे कदापि ये मत जज करिएगा कि पेपर इजी था या टफ था। आप अदर यूट्यूब चैनल्स पे इसकी कट ऑफ का और हार्डनेस और टफनेस का जो भी सीन है वो वहाँ से जज करिए, ठीक है। सबसे मैंने ये बात क्लियर कर दी आपको। और मेरा स्कोर क्या रहा इसमें, तो मैंने 76 अटेंड किए थे, मेरे मात्र 2 सवाल गलत थे, 74 मेरे सही थे, 97% एक्यूरेसी के साथ मैंने इस पर काम किया। एक सवाल मैथ का बहुत ईजी सा था और यहाँ पे तो 10 सेकंड में हो गया, बस वो वहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया गलत कैसे ही। और एक सवाल थोड़ा अच्छा था, वो मुझसे गलत हुआ, हाँ वहाँ पे एक फॉल्ट थी। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि 76 अटेंड करके 74 सही है, मतलब अटेंड कितने कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आप एक्यूरेसी कितनी अच्छी दे रहे हैं ये मैटर जरूर करता है। अब ऐसा भी नहीं कि 60 अटेंड कर दोगे तो पेपर पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप 90 या 95 अटेंड करके अगर 90 सही कर रहे हैं तो आप बढ़िया जोन में रहेंगे, कहने का मतलब ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैथ का सवाल है, इसमें नॉर्मल वाई का मान निकालना था, तो उसमें कुछ खास था नहीं। आप अच्छा एक मिनट और फ्लाइट मोड लगा देते हैं, नहीं तो कोई ना कोई। चलिए ठीक है, इसमें क्या है, इन्होंने गुणा करके उधर भेज देना था, देन वाई का मान निकाल के 10y-1 कर लेना था, आसानी से हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो रोम में आयोजित हुआ था, मुझे पता था नहीं पता था, इसका कोई मतलब है नहीं क्योंकि मुझे अटेंड करना नहीं था। अब कौन सा उदारीकरण का उद्देश्य नहीं है, इसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोन गीत मुख्य रूप से कहाँ का है, तो ये असम का है। और इसमें क्या है कि आपको इसकी जगह पहचानना था, यहाँ पे क्या है आपको अभाज्य संख्याएं जोड़नी है, 16 में 13 जोड़ा है, फिर 17 जोड़ा है, फिर 19 जोड़ा है, फिर 23 जोड़ेगा और फिर 29 जोड़ेगा, इस तरह से सीरीज चली है, इसको आप फॉलो करेंगे 117 आपका आंसर आ जाएगा। 11 से विभाज्य है, तो इवन प्लेसेस ऑड प्लेसेस के नंबर का सम या तो 0 है या तो 11 से कट जाए, तो ऑप्शन से किया, तीसरा आ गया था। इसकी बात करें तो पहले 7 घटाया फिर 10 जोड़ा है, और फिर 7 घटाया फिर 10 जोड़ा है, फिर 7 घटा के फिर 10 जोड़ दो, 109 आ जाएगा। सभी चट्टाने चूड़ियाँ हैं, ये वाला आसानी से आप कर लीजिए, हो भी जाएगा। हाँ, ये सवाल मेरा मैथ का गलत हो गया था, इसको अलग से इसका एक वीडियो बना के सॉल्व करके आपके सामने दे दिया जाएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें रन बनाने हैं 30×5.6 कर लेंगे, उसके बाद 20 ओवर में भाई 30×5.6 करने के बाद जो भी आएगा उसको 320 में घटा देंगे, जो बचेगा उसको 20 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर 7.6 आ जाएगा। औसत प्राप्तांक कितना है, 2 प्राप्तांकों को निकाल देने पर छात्र बचेंगे 34, और 2 को निकालने पर 2 की कमी होती है, तो 34×58 कर लीजिएगा, दोनों का अंतर कर लीजिएगा, 36×60-34×58 जो भी आंसर आ जाए उसमें से 90 घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एम एन को इतना, ए को इतना, पी को इतना, मतलब एम को एन, ए को बी सी, पहले 1 है फिर 2 है फिर 3 है, इस तरह से जोड़ रहा है वैसे ही जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। अल्फ़ा का मान 30 है, तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, मतलब 1/2 × √3/2 गुणा कर देंगे, √3/4 हो जाएगा, वैल्यू पुट करके निकालना था। मूलों का अनुपात इतना है, तो अल्फ़ा का मान निकालना है, मूलों की वैल्यू पुट कर देंगे, और मैंने पहला इसको ऑप्शन से किया था, एक तरफ से इसको अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा का मान निकालना है ना, तो ए की जगह पे 1 रख के देखिए, आपका अगर 1 और 2 के रेशियो में आ जाएगा, तो मेरे पास समय बहुत था,
तो आसानी से सो कर लिया था, मतलब एज इक्वल टू वन रखा, उसके बाद सॉल्व किया तो एक का साथ चार और आठ के रेशियो में आ रहा था, या 1:2 का रेशियो में आ गया था कुल मिला के, वहाँ से सवाल हो गया था, मैंने ऑप्शन से किया था इसको। पवन ऊर्जा परिषद के अनुसार ये सब सवाल हैं, जीएस के मैंने देखे ही नहीं से बताऊँ वहाँ पे, क्योंकि देखता तो फिर इजी लग रहे थे कुछ सवाल, तो टिक कर दो, ऐसे सवाल आता नहीं मुझे, जो बहुत ही इजी लगे मैंने बस वही टिक कर दिए, मतलब होता ना रहा नहीं जाता फिर वहाँ पर इतना ही सवाल देख करके। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये अभी बहुत चर्चा में था कि रूस ने इसका सफल परीक्षण किया था हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, तो दिखा तो भी ये हुआ कि मारी दो। अमोनिया नाइट्रेट 14:3 के रेशियो में होता है, पता था नहीं वैसे मुझे। अराकान योमा, ये सवाल वैसे पता था, ये क्या है, भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्न से कौन जलमग्न पर्वतमाला का आपतिक भाग है? अराकान योमा है, क्योंकि आप हिमालय तो इधर है, अंडमान से कोई मतलब ही नहीं, पूर्वी घाट मतलब ईस्टर्न घाट ये इधर इतना जाएंगे नहीं, कुरनूल ये शायद हिमालय का ही कुछ पार्ट है क्या, अराकान योमा अंडमान साइड होते हैं, जैसे भैया पता भी नहीं था, छोड़ दिए, देखे ही नहीं सही बताऊँ तो। 10% का लाभ होता है, मतलब 111 से इसको डिवाइड, 111 से डिवाइड करके जो आए उसका 118% निकाल दीजिए, हो जाएगा। विकलांग श्रद्धा का दौर किस लेखक की है? तो हरिवंश परसाई जी की है, ये सवाल है नॉर्मल ही है, कोई बहुत टफ नहीं है। मैंने इसको हाँ नॉर्मली किया था, हो गया था, पहले ऑप्शन से कर रहा था वो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर ऊपर से किया तो आराम से आ गया था। मतलब इसमें एक सवाल ये था कि मान लो कि 100 kg कोई आइटम है, उसमें से 80% ए है 20% बी है, अब 80% पे 20 मिलाओगे और 20% पे 8 मिलाओगे, देन वो रेशियो 9:8 हो जाएगा, जो सवाल बोल रहा है वैसे ही करना है, आसानी से हो जाएगा। ये सवाल थोड़ा सा घुमाऊ था लेकिन इजी था, कर लेंगे। और ये मुझे लगा था कि लेवल 5 का जो एग्ज़ाम था मैथ खासकर, वो लेवल 3 के इस तरह से थोड़ी सी डाउन थी, कुछ क्वेश्चन टफ थे, बाकी जीएस तो भाई सबकी एक ही जैसी थी, जैसी थी, जिसकी फंस गई तो उसकी फंस गई, जिसकी नहीं फंसी उसकी नहीं फंसी। ये सवाल है भैया, इसमें आंसर आपका 5 आ रहा है। रिंगचुमा घाटो कीटो इशारा, ये नृत्य शैलियाँ हैं, सिक्किम की हैं। हीनता जन्य रोग, मतलब डिफिशेंसी डिजीज़ के संदर्भ में विटामिन डी, रिकेट्स होता है, रिकेट्स मतलब विटामिन डी, आप याद रख पता ही सबको, इसका भी विटामिन सी से है, बेरी बेरी विटामिन बी से है। 7 के अनुसार ये है सवाल, जो व्यक्ति इतने थे, मतलब ये नागरिकता पे सवाल लेवल 2 में भी था, लेवल 3 में भी देखने को मिला है आपको। पंचायत की शक्तियाँ, ये हर लगभग सिर्फ में एक सवाल उन्होंने डाला है, पंचायत से जुड़े ABCD दुनिया भर के उसमें प्रावधान है, वहाँ से एक सवाल उठाया है, ये नॉमिकल मतलब गणितीय संख्याएं का सवाल, आसानी से आप कर सकते हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक, मतलब इतना ही सवाल देख के फिर वही होता है कि मार ही दो, नीचे से 15वां ऊपर से 14वां है, 14 15 29 -1 28 हो गया। नजामुद्दीन बस्ती परियोजना जो है इसका आंसर है, पता नहीं क्या है। मस्की कर्नाटक के रायचूर ज़िले में स्थित पुरातात्विक स्थल है, यानी कि मस्की मस्की करके जो एक पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ है? तो कर्नाटक के रायचूर ज़िले में है। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी अगस्त 2021 में प्राप्त हुई है। IANA इसका जो आंसर है, इंटरनेट एजेंट असाइंड नंबर अथॉरिटी है, छोड़ ही दिया मैंने, देखे ही नहीं सही बताऊँ वहाँ पे, मैं अभी आज देख रहा हूँ इन सवालों को, वहाँ पे जिस पे नज़र पड़ी वो इजी वाले थे फिर उनको कर दिया, बाकी देखे ही नहीं मैंने तो कौन से थे। तेलंगाना के 2 राज्यपाल थे, कब को क्या लिखा जाएगा, बट को DWV और एल को इतना है, बी का CD है, UVW मतलब दो दो अच्छा जोड़ देना है, हो जाएगा, ये नॉर्मल आयु संबंध का सवाल है, हो जाएगा। तमिलनाडु के ये पढ़ा नहीं मैंने, देख लीजिए। बहरहाल 3/4 ये थोड़ा सा घुमाऊ सवाल था लेकिन जी था, कुछ बहुत टफ नहीं था, ऑप्शन से भी कर सकते थे वहाँ से भी कर सकते थे। ये कथन निष्कर्ष का सवाल था, हो जाएगा आसानी से। a+b का होल स्क्वायर a³ b³, इसको आप नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं, कौन संख्या 15 से कट रही है, 15 मतलब 3 से कट रही है, एक ही संख्या जो 3 से कट रही थी बाकी कुछ कट ही नहीं जाता 3 से, आप इसको आसानी से ऐसे कर सकते थे। संपूर्ण राजस्व ने पढ़ा नहीं, छोड़ दिया। ये सवाल देखिए आप, कितना लंबा सवाल है। देन आंतरिक त्रिज्या अर्धगोला मेंस्ट्रुएशन के सवाल यहाँ से आने शुरू हो गए थे, ये सवाल थे, बहुत टफ सवाल नहीं थे।
ये सब सवाल देखे नहीं, छोड़ दिए, ये भी देखा ही नहीं गया। वैसे क्या है, ओनगी नामक आदिवासी समूह अंडमान निकोबार में निवास करता है, ये सवाल इजी ही है। 27% इतना है तो 40 का जो है 11% इतना हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सवाल बहुत इजी था, बस गलत हो गया है। कैसे गलत हो गया है बस पता नहीं चला कैसे गलत हो गया। इसमें क्या है कि 2 और 3 हैं भुजाएं, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 2 को जोड़ देंगे 5, मतलब 4/25 हो जाएगा। लेकिन 25 ना लिख के 21 लिखेंगे, क्योंकि नीचे वाले का क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसे 4/21 लिखेंगे। बराबर का x² x/63 लिख देंगे, 21 3 63 4 3 12 आंसर आ जाएगा। लेकिन बस वहाँ पता नहीं क्या किया, 28 करके चले आए शायद, मुझे लग रहा है आया मेरा 12 ही, तो ऑप्शन टिक करने में गलत हो गया है। और इस सवाल की बात करें, ये वही हो गया जो मैंने आपको एनालिसिस में बात किया था, जिसके बारे में समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगाना है, 20 21 और तीसरी भुजा 29 हो जाएगी, काम खत्म। इस प्रश्न रेखा वाला फॉर्मूला है। PQRS 3 है, J के बाद मतलब 3 3 जोड़ दो, बात ही खत्म करो। L के बाद OR है, उसके बाद क्या है, J का Q है, C का J है, 8 7 जोड़ रहे हैं, J का 10 होता है, PQ 7 जोड़ रहा है, C हाँ 7 जोड़ दो बस, जोड़ोगे आ जाएगा आर में 7। हाँ इनमें क्या है, तो इनमें कॉमन क्या मिल रहा है वही देख लीजिए, मासा निकाल लीजिए हो जाएगा। 9 और 11 से पूर्णता है, तो 9 से पहले देख लो, फिर 11 से देख लो, या फिर तीसरी संख्या देख लो, 11 से ये कट रही है, बाकी कोई कट भी नहीं रही है। ये सब सवाल तो देखे ही नहीं है, ये सवाल भी आसान ही था। हाँ ये सवाल देखिए कितना लंबा चौड़ा सवाल था, लेकिन निपटा दिया फिर हमने, छोड़ा वोड़ा नहीं इसको भी। समय बहुत था, क्योंकि GS तो टच ही नहीं की, तो वो समय भी अपना बच ही गया था। और एक बार नोटिस की, अगर आप बिना प्रेशर के पेपर देते तो समय मेरे पास इस पेपर में 30 मिनट मेरे पास पूरे बचे हुए थे, तो मैं बस आराम से, एक सवाल मैथ का था उसी में फंस गया था, बैठा ही हुआ था फिर उसी को लेकर के। ये सवाल भी थोड़ा सा घुमाऊ सवाल था, बाकी इजी ही था, बहुत टफ नहीं था, ये सब तो पता ही नहीं है। भाषा परिवार इसका भी पता नहीं था, ये सब बीजी सवाल हैं। ए बी का मान पता है, ए बी गुणा करके सी से भाग करना था, आंसर आ जाता आपका आराम से। पंचवर्षीय योजना के तहत ये सब चीज़ें थी, पता था नहीं अपने को। ये सवाल दिशा परीक्षण का है, ये सवाल था। अशोक के शिलालेख कहाँ थे, तो गिरनार में थे, पता था लेकिन मैंने वहाँ देखा ही नहीं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये बहुत पहले पढ़ा था, होता ना कि जब बहुत पढ़ा एकदम रटा हुआ सवाल आ जाता, फिर राइज नहीं होती, फिर टिक कर दिया था इसको। सम षटभुज, मतलब पहले तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 साइड स्क्वायर से निकल आएगा, 3√3, देन 6 षटभुज है इसलिए 6 से गुणा कर दिया, 18√3 आ गया। भारत ने श्रीलंका को हराया था 2021 वाले में, अंडर 19 वाला। हाँ ये बेसिकली फसल वाला था, ये तो पता था, लेकिन ये हुआ कि ज़्यादा टिक कर दोगे तो कहीं पास वास हो गए तो फिर पता लगा, दिक्कत हो जाएगी। मैथ रीजनिंग छोड़ी नहीं, अभी एक छोड़ा था बस, बाकी सब किए थे। ये नॉर्मल वाला चक्कर ब्याज का, पहले 2000 का 10% 200 का 10% 20 420 हो गया। ये भी आप नॉर्मल पहले टोटल दूरी निकाल लीजिए, टोटल समय दिया ही हुआ है, भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ ये सवाल मुझे लेवल 6 में भी छूट गया था, और लेवल 5 3 में भी छूटा है, तो ये सवाल मैं इस बार सीख ही लूँगा, और अगर मुझे मौका मिला तो आपके साथ भी शेयर कर लूँगा कोई अच्छा ट्रिक, इजी ट्रिक। मुझे हुआ भी नहीं, मैंने वहाँ पे इतना फिर जोर भी नहीं लगाया कि चलो हो ही जाए। ये है भैया, इजी सवाल था, थोड़ा घुमाऊ सवाल था, बाकी कुछ खास नहीं था इसमें, तो सबको जोड़ देना है, TT के मान, A के मान, बस लिख देनी है। ये देखिए पजल, वहाँ ये सवाल देख के तो अगर जिसके सीरियस पेपर दे रहा उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, अच्छे सवाल है ये सब, छोड़ दिए तो ये सवाल है। ये सब रीजनिंग और मैथ नहीं छोड़ी थी, अपना टारगेट था कि रीजनिंग मैथ 100% देना है, बाकी का पता नहीं, ये नॉर्मल उसका सवाल था कैलेंडर का। लाहौर में बादशाही मंदिर का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, मुझे पता भी नहीं था वैसे। दोनों का गुड़े में क्या गुड़ा करें, तो 3000 से गुड़ा करेंगे, इतना हो जाएगा। ये सवाल भी जीता, बहुत टफ नहीं था।
ये विधवाओं के लिए स्वर्ण स्थली थी, तो इनका पंडित रमाबाई आंसर है। पूर्णकालिक उपगवर्नरों की अधिकतम संख्या होती है तो 4 होती है आरबीआई में। अनुसूची का स्थान कौन सी भाषा नहीं है, तो राजस्थानी नहीं है, तमिल, पंजाबी, बोडो ये सब लैंग्वेजेस हैं। ये रीजनिंग का सवाल है, छोड़ने ही नहीं थे अपने को, तो ये सवाल मुझे पता भी नहीं था, नहीं पता था वैसे, छोड़ दिया था मैंने। ये है भैया, ये भी नॉर्मल सवाल था, वही आप ऐसे कर लेंगे x बटे ढाई और x बटे एक बराबर 6/60, ऐसे हो जाएगा 12/60 आंसर आ जाएगा आपका। कितने कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब आपको ये LBH पता है, इसका संपूर्ण प्रश्न निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। LBH पता है, 2LBBHHL से इसका फॉर्मूला है, अब निकाल लीजिए आसानी से। 5 मित्र हैं, ये भी पजल का सवाल था, आसानी से हो गया था। काम समय का सवाल है, ये भी हो गया था। रीजनिंग का सवाल है, इसको भी कर लिया था आसानी से। ये भी रीजनिंग के सवाल, रीजनिंग के सवाल ठीक आए थे, बहुत टफ नहीं थे, ये सब पता था नहीं, छोड़ दिया था। इसकी GS थोड़ा ठीक ही है, आप देख रहे हैं कि GS बहुत ज़्यादा मतलब आसान नहीं है, बहुत ठीक ठाक GS है। उड़ीसा सबसे बड़ा उत्पादक, लॉ एस उड़ीसा है, तो आया हुआ सवाल है, बहुत बार पूछा गया। मसाई अफ्रीका के हैं, ये भी इजी सवाल था, ये सब आए हुए सवाल थे, लेकिन फिर ज़्यादा करते दिक्कत हो जाती। ठीक है, ये सब रीजनिंग के सवाल हैं, अब देखेंगे सब रीजनिंग वगैरह सही ही है, इसमें भी ये भी सही है। बी को एम लिखा है, मतलब बी के आप देखें, एम के बाद वाला देखें, बी के पहले एक कम किया है, ए लिख दिया है, मतलब पहले अक्षर को दूसरी जगह लिखा है एक कम करके, वैसे ही जी को दूसरी जगह लिखेंगे एक कम करके, एफ सब में कॉमन है, इस तरह से आप देख लीजिए। और एल को एक बढ़ा के एम लिख दिया है, तो एल को एक बढ़ा के एम, इस तरह से आप देख लेंगे, आपका हो जाएगा। ब्याज इतना है, तो देख लीजिए कितने समय में आपको 6 वर्ष में इतना ब्याज मिल जाएगा, हो जाएगा आसानी से। SI=PRT/100 पे आसानी से सॉल्व कर लीजिए। ये परिचालनशील है, तो ये उत्तरी अमेरिका है, पता था नहीं, छोड़ दिया। खारे पानी की झील सामर झील है, पता था लेकिन छोड़ दिया। अब लोनार भी खारे पानी झील है, लेकिन ये क्या है, अंतर्देशीय नहीं है, ये मतलब समुद्री सीमा से टच में है लोनार झील, लोनार झील नहीं, वो तो शायद, चलिए ठीक है, इसका सामर झील है, बस इतना है। देखिए लोनार झील तो, हाँ ये शायद महाराष्ट्र वाली लोनार झील है, जो उस पर ज्वालामुखी से बनी है, उद्गम से बनी है लोनार झील। उड़ीसा में चिल्का झील है, वो समुद्र से टच है। ये भैया हो गया नॉर्मल पजल का सवाल, ये सब पजल सवाल हो गए थे, पजल की प्रैक्टिस बहुत सारी पहले से भी थी और भी कर रखी थी। रोहतांग दर्रा आपने अगर वीडियो देखे होंगे तो आपने पढ़ा होगा, रोहित के बड़े किले से हिमगिरा ऐसे कुछ करके ट्रिक था, तो रोहित से हिमाचल प्रदेश हिम कर दिया था ऐसे ही। संगत नहीं है, तो कौन सा संगत नहीं है, तो इसमें आप देख लीजिए 4-3-4 इसका संगत नहीं है, बाकी सब इसके संगत हैं। इसमें क्या किया था, संख्या श्रेणी में 11, 19, 47, इसमें शायद 10 का 1 है, 19 पहले 8 जोड़ा है, फिर 8 3, हाँ ऐसे ही कुछ था, 8 जोड़ा था, 8 के बाद फिर 8 जोड़ा है, फिर 8 जोड़ा है, फिर 8 जोड़ा है, हाँ मतलब लगातार 8-8 जोड़ते जाइए, 434 एक ऐसी संख्या है कि जो 8-8 जोड़ने पे प्राप्त नहीं होगी, बाकी सब संख्याएं 8-8 जोड़ने पे प्राप्त हो जाएंगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 8-8 जोड़ रहा है ना, तो इन समय 3-3 घटा लीजिए, जैसे 11 में 3 घटाएंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगी, 19 में 3 घटाएंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगी, 27 में 3 घटाएंगे 19 8 से डिवाइड हो जाएगी, तो 107 में 3 घटाएंगे 104 होता है, वो 8 से डिवाइड है। देन 434 में 3 घटाएंगे तो ये विषम संख्या बन जाएगी, इसलिए 8 से डिवाइड नहीं है, बाकी सब संख्या 3 घटाने पर 8 से डिवाइड हो रही थी, इसको आप ऐसे कर सकते थे। नॉर्मल 10-5 आपको दिन जोड़ के ऐड कर लेने थे, बात ख़त्म, ये सब छोड़ ही दिए, देखे ही नहीं। बाएँ से दाएँ पढ़ने पर पजल का सवाल था, मतलब रीजनिंग का सवाल था, आसानी से हो जाएगा। वृत्त संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो आयतन निकालना था, के का मान निकालना था, इजी सवाल था, फॉर्मूले याद हो तो आप मेंशन के हर सवाल कर लेंगे, कोई बहुत टफ मेंशन नहीं था, थोड़ा हाँ लेंदी था कैलकुलेशन, वहाँ पे टाइम को देखते हुए थोड़ा टफ पड़ता है। हाँ ब्याज की गणना वार्षिक गणना की गई है, 10% वार्षिक
चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कुल धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाती है। निवेश की धनराशि कितनी है, कितनी धनराशि है? हाँ, अब ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बाकी वहाँ से भी आप आसानी से कर सकते हैं, इतना कोई फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। कलिंग को जीतने के लिए अशोक, ये सब याद सवाल थे लेकिन टच नहीं करना था वहाँ पे, इसको सिंपल आप कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, हो जाएगा। हाँ ये देखिए, मैंने नोटिफिकेशन जब एनालिसिस किया था इस सवाल की बात कर रहा था। लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, परिमाप इतना है, तो 7 × 3 = 10 × 20, 20 = 21,000। तो 1 की वैल्यू निकाल के 7x3 इसका मान निकाल के, मतलब 7 - 3 यानी कि 4x का मान निकाल देना था, 4200 हो जाएगा। ये देखिए इतना ईजी था, फिर नज़र पड़ी तो युवा कर ही दो। ये इसमें क्या है, तो 13 में 2 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 8 जोड़ा है, फिर 16 जोड़ा है, इस तरह से जुड़ता चला गया। नहीं, 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 जोड़ा है। 395 अनुच्छेद थे, आखिरी में योगा कर ही दो, समय भी बहुत था। इसमें क्या, WXYZ 3 जोड़ा है, CDEF XYZA, यही आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। जे के बाद KLMN वो 5 जोड़ रहे हैं, आर के बाद 5 जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। झड़का जड़े होती हैं चुकंदर में, झड़का जड़े होती हैं, बाकी चावल मक्का गेहूँ में झड़का जड़े नहीं होती हैं। इस सवाल को बस इसको 260 मान लेना था, भाग करना था 25 से, फिर इधर गुणे 35 करना था, इधर 30 कर लेना था, इधर 10 कर लेना था, हो जाएगा सवाल आपका। व्यय का अनुपात है, ये सवाल ही है, इसमें कोई बहुत टफ नहीं था। हाँ थोड़ा सा लेंदी था ये सवाल, कह सकते हैं लेंदी भी नहीं था। पहले क्या करेंगे कि आय को इस हिसाब से बांट लेंगे, उसके बाद क्या है, बचत आपकी निकल आई, भाई बचत 7 है, और 7 का मतलब पहले देखिए टोटल 20 है, 20 × 1800 यानी कि 2×9 हो जाएगा, 963,000 रुपये आपकी बचत है। 63,000 को 7×3 के रेशियो में बांटना है, यानी कि 7×9 = 36,000 रुपये आपकी सीधा सीधा बचत हो जाएगी। मेजबानी भी कर सकते थे आप। ये सवाल था, इसमें क्या 25,000 समथिंग आ रहा था, तो अप्रॉक्सीमेट लिखना था, ये 25,000 आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं था इसमें, आपको 15 और 25 शायद जोड़ के 40% निकालना था। तो इस तरह से इस सवाल का, इस पेपर का पूरा एनालिसिस हो गया है। आप देखेंगे GS थोड़ी सी हार्ड थी, 15-16 सवाल आप कर सकते थे आसानी वाले, जो श्योर वाले, बाकी आपको कुछ सवाल में गेस करना था। अप्रॉक्स अच्छा स्कोर इसमें कितना माना जाएगा, तो जिसने जनरल कैटेगरी की बात करूँ कोलकाता डिवीजन की, तो जिसने अगर 85 से 90 के बीच में है जो, वो सेफ है, क्योंकि इसमें टाइपिंग वगैरह तो है नहीं, और इसलिए इसमें 1 गुना बच्चा बुलाया जाएगा, मतलब जितनी वैकेंसी उतना बच्चा बुलाया जाएगा, इसलिए कट ऑफ इसकी हाई जाने वाली है। तो ये मानिए 85 से 90 के बीच में ही अगर आप हैं तो आप सेफ हैं, अदरवाइज़ थोड़ा सा टफ ही है, हो सकता है कि 80 से 90 के बीच में चली जाए, लेकिन इतना प्रेडिक्ट कर भी नहीं सकते अभी, तो आंसर की आई है, अपने लोग स्कोर शेयर करेंगे, तो जैसा स्कोर दिखेगा उस बेसिस पे जज किया जाएगा कट ऑफ कितनी रहने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।